तो आस पास हर तरफ जो है अंधेरा। इस्लामिक फ्रेंड्स, क्या हाल चाल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो अभी बज रहे हैं शाम के तकरीबन 6:30 हो रहे हैं। तो हमारा प्रोग्राम है फैसलाबाद, मेरे मुंह से निकल गया गांव जाने का। तो अभी हम जाने लगे हैं गांव, तो गांव है शादी और वहां पे जाने लगे। तो अभी मैं रेडी ड्रेस छेडी हो गया, सिर्फ जूते पहने रह गए। तो मैं आया था छत पे जूते लेने के लिए, तो यहाँ पे है नहीं पड़े, तो अभी देखते हैं नीचे पड़े होंगे, तो अभी चलते हैं नीचे। अच्छा, इधर पड़ी है मेरी, ये अभी पहन लेते हैं जूते। चले जी, जूते भी पहन लिए। चले चलते हैं जी गांव में। गाड़ी में अभी कल स्टार्ट अपनी, तो अभी जो एसी है वो ऑन नहीं करेंगे क्योंकि गाड़ी को थोड़ा सा वार्म अप होने देंगे। तो बाय द वे, पीछे भाई की गाड़ी है, वो भी आ गई थी, तो भाई कल इस्लामाबाद से आ गए थे, तो वो भी जा रहे हैं इंशाल्लाह ताला शादी पे। तो दो गाड़ियां जा रही हैं। तो अभी भी गर्मी बहुत ज़्यादा है, हबस बहुत ज़्यादा हुआ है, तो पसीना आपको नज़र आ रहा होगा मेरा। तो अभी जी सवारियाँ जो है वो गाड़ी जो लाइन अप करते हैं, तो फिर चलते हैं। गाड़ियाँ जो है वो लाइन अप हो गई हैं, तो अभी जो घर वाले बैठने लगे, तो अभी चलते हैं जी गाँव। चले गांव पहुंच चुके हैं, तो सामने जो है टेंट वगैरह लग रहे हैं, तैयारी वगैरह हो रही है यहाँ पे। क्या चल, वो ठीक है, भिजा लिया है। जी शादी पे आया हूँ और शादी भी अपने की हो और वहाँ पे काम ना किया जाए तो हो नहीं सकता। तो अभी जो मदम्मल है वो पंखा लेके नीचे जा रहा है, और भी पंखा लेके आ रहा है मदम्मल नीचे। अच्छा, इधर और भी कोई पंखे पड़े तो वो भी नीचे चलेंगे। तो वो पड़ा एक पंखा, तो ये लेके भी चलते हैं बाहर। तो बाहर वैसे जो है तैयारी शारी हो रही है, स्टेज वगैरह लग रही है। तो अभी ये पंखा जो है तार कहाँ पे इसके, तो ये भी लेके चलते हैं। अली दोनों उठाना है? अच्छा फिर ठीक है, मैं पता नहीं अली ने भी साथ ही उठाना है। तो ये यहाँ से बंद करके निकाल लेते हैं इसकी तार। चलो जी अब उठाते हैं पंखा। तो यहाँ पे जी टेके वगैरह पकाई जा रही है, रात का खाना होगा। मैं ऐसे ही इतना तैयार होकर आ गया गाँव, मुझे पता भी था अपनी शादी है तो काम वगैरह करने पड़ेंगे। तो ये हमारे मुतीब भाई देख ले इनका हाल जो बेचारे तो काम करके इतने भी पसीना आया हुआ है। वैसे ये माहौल होता है गाँव की शादी का, तो जितने भी हमारे सियाने आदमी है और जो भी है वो सारे यहाँ पे बैठे हुए। तो गाइस अभी जो हो गया खाने का टाइम, तो खाना आ गया। तो खाने में है जी गोश्त और मीठे चावल। तो अभी जो है खाना खाते हैं, मैं तो मीठे चावल और साथ ये गोश्त है ये खाऊंगा फुल्ली देसी तरीके से, तो बड़ा मजेदार लगता है ये भी। तो ये खाते हैं, वैसे मुनीब और साथ जो है वो खाना खा रहे, मैं ये खा रहा हूँ। Oh,
बिस्मिल्लाह। इतने दिन के बाद ये थोड़ी सी गर्मा गर्म चाय पीते हैं तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। हाँ क्यों भाई, बिल्कुल पंखे की बात डाल रहा है ना, सही बात, मजा आ गया। वैसे मुदीप भाई पंगड़ा बड़ा प्यारा डाल, जेनेटिकली मिला अभी बच चुके हैं तकरीबन 12:30 हो चुके हैं। अभी देख लेते हैं घड़ी में तकरीबन 12:30 हो चुके हैं तो आसपास हर तरफ जो है अंधेरा है। तो यहाँ पे जी हमारी खड़ी है गाड़ी, पता नहीं आपको नजर आ रही है कि नहीं आ रही है, नंबर प्लेट उसकी नजर आ रही है। तो अभी चलते हैं वापस। वैसे जो मौसम था शाम के बाद वापस थी तो अभी जो हवा वगैरह चल रही है, ठीक है मौसम। गाइस घर पहुंच चुके हैं तो ये बाइक की गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, मैंने अपनी गाड़ी मतलब की गाड़ी लगा दी है। तो अभी जो हमारी घर है बिजली गई हुई है हर तरफ, बिल्कुल अंधेरा ही अंधेरा वहाँ पर। तो अभी जो टाइम हो चुका है 1:15 हो गए, अभी तक लाइट नहीं है। गाइस लाइट वगैरह आ गई है, अभी मैं ब्लॉग जो है अपना एडिट कर रहा था और टाइम हो चुका है तकरीबन 2:35। तो इतनी रात को मैं अभी बैठा यहाँ पे ब्लॉग एडिट कर रहा हूँ, ये सिर्फ आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि आपको कोई मेरी भी एक वीडियो पसंद आ जाए, तो इसलिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। तो प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है छोटी सी तो इसे लाइक लाजमी करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और हमारी मोटिवेशन का जो है जरिया बने। आज के भी इस ब्लॉग को यही पे करते थे, तब तक देख रहे हैं।